Good morning, children. Today we will start our next point, division of a three-digit number by a one-digit number. No remainder. ठीक है, आज हम क्या सीखेंगे? आज हम थ्री डिजिट नंबर को वन डिजिट नंबर से डिवाइड करेंगे जिसमें कोई रिमाइंडर नहीं होता है. ठीक है, ये रिमाइंडर क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझेंगे. सपोज कीजिए कि आपको 575 को डिवाइड करना है वन डिजिट नंबर 5 से. तो आप कैसे करोगे? तो 5 को हाफ सर्कल की बाहर लिखेंगे, 575 को हाफ सर्कल के अंदर लिखेंगे, 5 की टेबल को पढ़ेंगे और 5 की टेबल में 5 को फाइंड आउट करेंगे. तो 5 1 5, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, 5 - 5 इज इक्वल टू नथिंग, ब्रिंग डाउन 7 7 को नीचे लेके आएंगे, अगेन 5 की टेबल में 7 को फाइंड आउट करेंगे, बट 5 की टेबल में 7 नहीं आता है तो हम लोग 7 से लेस नंबर लिखेंगे. तो 5 1 5, 7 - 5 इज इक्वल टू 2, 5 को ब्रिंग डाउन करेंगे, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 25. नाउ 25 को 5 की टेबल में फाइंड आउट करेंगे, 5 5 क्या होता है 25, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, 25 - 25 इज इक्वल टू नथिंग, दैट मीन्स नो रिमाइंडर. इज दैट क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल, 642 डिवाइडेड बाय 6. 6 को हाफ सर्कल की बाहर लिखेंगे, 642 को हाफ सर्कल के अंदर लिखेंगे. नाउ 6 की टेबल में 6 को फाइंड आउट करेंगे, 6 1 6, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, 6 - 6 इज इक्वल टू 0. नाउ ब्रिंग डाउन 4. अब 4 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 6 बिकॉज 4 जो है वो लेस देन है 6 से. तो हम क्या करेंगे, हम 2 को भी ब्रिंग डाउन करेंगे और जब हम 2 को ब्रिंग डाउन करेंगे तो 0 पुट करेंगे. ठीक है, उसके बाद 6 इजीली डिवाइड हो जाएगा 42 से. 6 की टेबल में 42 को फाइंड आउट करेंगे, 6 7 42, तो 42 सब्ट्रैक्ट 42 इज इक्वल टू नथिंग. तो आपका जो क्वेश्चन है वो 107 और यही आपका क्या है, आंसर है. इज दैट क्लियर? तो वर्कशीट में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस दे रखे हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है.